हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में यूनिट नंबर 3 का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जैकोबियंस। देखिए, यूनिट 3 में जैकोबियंस जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एकेटीयू में रेगुलरली यहाँ से दो क्वेश्चन एकेटीयू एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, एक 2 मार्क्स में और एक 10 मार्क्स में। तो देखिए, 2 मार्क्स में कौन से क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क्स में कौन से क्वेश्चन होंगे, वो सब हम पढ़ेंगे जैकोबियंस में। आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4, ये जैकोबियंस का बहुत ही बेसिक लेक्चर होगा, ठीक है, जिसमें हम जैकोबियंस के फॉर्मूले पढ़ेंगे, ठीक, और उनके ऊपर बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा बेसिक लेक्चर है ये भी एकेटीयू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो हमें आज हम जैकोबियंस का आज बेसिक को पढ़ेंगे, उसके साथ ही साथ आज के लेक्चर से भी एकेटीयू एग्जामिनेशन में जो मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा वहां से एकेटीयू एग्जामिनेशन में रेगुलरली क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो भी 2 मार्क्स में, ठीक है। तो आज के जो हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे वो 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है, लेकिन एक दो क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो 10 मार्क्स में भी एकेटीयू एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए एक तो जैकोबियंस का आज हम बेसिक कवर करेंगे, दूसरा यहां पर जो हम आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो एकेटीयू एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए देखिए क्या होता है जैकोबियंस, बात करते हैं व्हाट इज जैकोबियंस। तो ध्यान दीजिए, यहां पर जो स्टेटमेंट लिखा है, इफ यू एंड वी, देखिए यू एंड वी आर दी फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई, यानी कि यू और वी जो है वो एक्स और वाई क्या है, दो वेरिएबल है, यू और वी क्या है, दो फंक्शन है, ठीक है। तो यू और वी जो फंक्शन है ये दोनों के दोनों फंक्शन किस वेरिएबल के हैं, एक्स एंड वाई के हैं, और एक्स और वाई क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। देन द डिटर्मिनेंट, अब देखिए यहां पर जो वर्ड आया है डिटर्मिनेंट, है ना, देन द डिटर्मिनेंट इज कॉल्ड जैकोबियंस, यानी कि जो जैकोबियंस होता है एक्चुअल में वो क्या है, फंक्शनल डिटरमिनेंट है, क्या है, फंक्शनल डिटरमिनेंट। अब देखिए डिटरमिनेंट वर्ड से आपको समझ में आ गया होगा, डिटरमिनेंट क्या है, आप लोग क्लास 12th में जैसा कि पढ़ चुके हैं मैट्रिक्स के बाद क्लास 12th में जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होता था वो था डिटरमिनेंट, तो हम डिटरमिनेंट किसका फाइंड आउट करते हैं, मैट्रिक्स का। तो यहां पर जो जैकोबियंस है एक्चुअल में वो क्या है, फंक्शंस का डिटरमिनेंट है, फंक्शनल डिटरमिनेंट। तो अब ध्यान दीजिए कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे हम फंक्शनल डिटरमिनेंट को लिखेंगे, अब इस पर जरा ध्यान दें आप लोग। देखिए ध्यान दीजिए यहां पर क्या लिखा है, यू एंड वी आर द फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई। अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे जैकोबियंस को, उस पर जरा ध्यान दीजिए। डेल डेल्टा यू कॉमा वी अपॉन डेल्टा एक्स कॉमा वाई। देखिए आपके पास जो दो फंक्शन थे यू कॉमा वी, मैंने ऊपर लिखा है डेल्टा, उसके बाद एक्स एंड वाई जो दो वेरिएबल है, ठीक है, उसको नीचे लिखा है। अब देखिए ये जो मैंने लिखा है, इस स्टेटमेंट को रीड कैसे करेंगे, इसका मीनिंग क्या है, इसी को हम बोलते हैं जैकोबियंस। देखिए इसको कैसे मैं रीड करूंगा, जैकोबियंस ऑफ फंक्शन यू एंड वी विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। ये मैंने क्या लिखा है, जैकोबियंस ऑफ फंक्शन यू एंड वी विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो ये हमारा जैकोबियंस है किसका, यू और वी फंक्शन का, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में। अब ध्यान दीजिए इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे वो मैं यहां पर लिख रहा हूं। देखिए यहां पर साफ साफ लिखा है जो जैकोबियंस है वो क्या है, फंक्शनल डिटरमिनेंट है, यानी कि ये जो जैकोबियंस आएगा ये डिटरमिनेंट की फॉर्म में आएगा। देखिए कैसे लिखेंगे, लिखना बहुत आसान है, फॉर्मूला याद करना बहुत ही ज्यादा आसान है। देखिए कैसे, ध्यान देना जरा, देखिए आपको क्या करना है, यहां पर डेल्टा मतलब पार्शियल डेरिवेटिव है, पार्शियल डेरिवेटिव होगा भी क्योंकि यहां पर वेरिएबल्स एक से ज्यादा हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए आप क्या करेंगे, जो हमारा पहला वाला फंक्शन है यू, इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में, एक बार वाई के रेस्पेक्ट में। तो डिटर्मिनेंट का जो हमारा पहला एलिमेंट होगा वो होगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स, यानी कि यू का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में लेना है। उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा हमारा फर्स्ट रो में वो होगा यू का ही पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे वाई के रेस्पेक्ट में, यानी कि डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है। तो हमने देखिए यू का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में भी ले लिया, यू का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रेस्पेक्ट में भी ले लिया, और हमारी फर्स्ट रो जो है वो आ गई है। अब आगे क्या करना है, देखो आगे ध्यान दीजिए जरा, अब हमें क्या करना है, वी का पार्शियल डेरिवेटिव लेना एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में, एक बार वाई के रेस्पेक्ट में। लेकिन ध्यान देना, पहले फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव पहली रो में आएगा, दूसरे फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव दूसरी रो में आएगा। तो यहां पर वी का पार्शियल डेरिवेटिव देखिए क्या होगा, डेल वी अपॉन डेल एक्स,
डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल वाई, और ये हमारा डिटर्मिनेंट हो गया कंप्लीट। तो ये जो डिटर्मिनेंट हमारे पास बना है, इसी डिटर्मिनेंट को देखिए, इसी डिटर्मिनेंट को हम बोलते हैं जैकोबियंस, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, जैकोबियंस। तो ध्यान दीजिए, ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया जैकोबियंस का, ठीक है ना, ये हमारे पास पहला फॉर्मूला आ गया जैकोबियंस का, ठीक है। तो हम इसको कैसे रीड करेंगे, जैकोबियंस ऑफ यू एंड वी विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो ये यू कॉमा वी का क्या है, जैकोबियंस है, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स कॉमा वाई के रेस्पेक्ट में। अब देखो जो इसके ऊपर बेस क्वेश्चन होंगे उसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास वहां पर u और v जो होंगे वो फंक्शन गिवन होंगे, है ना, u और v फंक्शन क्या होंगे, गिवन होंगे, और उन फंक्शंस को हम क्या करेंगे, पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे उन फंक्शन का, जैसे यहां पर लिखा हुआ है। तो यहां पर डेल u बाय डेल x फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन से, डेल u बाय डेल y भी फाइंड आउट करेंगे, डेल v अपॉन डेल x भी फाइंड आउट करेंगे, और डेल v अपॉन डेल y भी फाइंड आउट करेंगे, और फाइंड आउट करने के बाद इसमें पुट कर देंगे, तो हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा जो भी क्वेश्चन में पूछा होगा, जैकोबियंस। तो इस फॉर्मूले के ऊपर बेस क्वेश्चन AKTU एग्जामिनेशन में पिछले 4 साल से कंटिन्यूटी में आ रहा है, इस फॉर्मूले के ऊपर बेस क्वेश्चन 2 मार्क्स में, कितने मार्क्स में, 2 नंबर में जनरली इस फॉर्मूले के ऊपर बेस क्वेश्चन AKTU एग्जामिनेशन में रेगुलरली पूछा जा रहा है। और आज हम इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जो AKTU एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, या फिर जो इंपॉर्टेंट है AKTU एग्जामिनेशन के लिए। चलिए अब हम चलते हैं आगे। तो ये मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा कि यू ये जैकोबियंस क्या होता है। देखिए यहां पर जो लिखा है कि जैकोबियंस क्या है, फंक्शनल डिटरमिनेंट। तो आपको समझ में आ गया होगा हम फंक्शनल डिटरमिनेंट क्यों कह रहे हैं इसको। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर वो ये है कि देखिए अब यहां पर डिटरमिनेंट आ रहा है, तो अगर डिटरमिनेंट आ रहा है ना, तो देखिए हमने क्लास 12th में डिटरमिनेंट पढ़ा था, और यहां पर हमें इस टॉपिक में हमें डिटरमिनेंट को ओपन करना होगा। और कई जगह पर जो हमारी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज थी, जो हमने क्लास 12th में पढ़ी है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, उनका भी हम कुछ यहां पर यूज करेंगे। हाँ, अब मैं ये भी जानता हूं कि स्टूडेंट जो है अब तक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट जो है कुछ को याद होंगी, कुछ भूल चुके होंगे, है ना, मतलब कुछ को तो पता है अभी भी क्या है, लेकिन कुछ लोगों को हो सकता है कि कुछ ठीक से याद ना हो, या वो थोड़ा सा उनको भूल चुके हों। तो इसलिए जो मेरा लेक्चर नंबर 2 आएगा उसमें मैं थोड़ा सा एक बार आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का भी रिवीजन मैं आपको करा दूंगा, ठीक है ना। तो आज हमारे पास क्योंकि सिंपल क्वेश्चन होंगे, तो यहां पर बहुत ज्यादा हमें डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल डिटरमिनेंट होंगे, हम उसको इजिली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपना दूसरे फॉर्मूले के ऊपर। देखिए ये जो जैकोबियन था ये 2 वेरिएबल के लिए था, किसके लिए था, 2 वेरिएबल। यहां पर केवल 2 ही वेरिएबल थे, एक्स एंड वाई। यू एंड वी आर द फंक्शन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई। अब क्या ये फॉर्मूला केवल 2 ही वेरिएबल के लिए होता है, क्या हम 2 ही वेरिएबल का जैकोबियंस फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। देखिए यहां पर हमारे पास जो फंक्शन है वो 3 वेरिएबल के हैं, और हम 3 वेरिएबल के लिए भी जैकोबियंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, जैकोबियंस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए अगर हमारे पास तीन वेरिएबल होंगे तो क्या होगा जैकोबियंस। देखिए यहां पर क्या लिखा है, यू वी एंड डब्ल्यू ये 3 फंक्शन है, यू वी एंड डब्ल्यू आर द फंक्शन ऑफ 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कौन कौन से 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। देन द डिटरमिनेंट इज कॉल्ड जैकोबियंस। तो इनका जो डिटरमिनेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे जैकोबियंस। तो चलिए जैकोबियंस को यहां पर लिखते हैं, देखिए क्या आएगा जैकोबियंस का फॉर्मूला। देखें आसान है, बहुत सिंपल है, क्या करेंगे यहां पर 3 वेरिएबल हमारे पास आ जाएंगे और कोई चेंज नहीं होगा। देखिए कैसे लिखेंगे, डेल यू कॉमा वी कॉमा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा, कौन से 3 वेरिएबल है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अब देखिए डिटरमिनेंट है, कैसे लिखा जाएगा इस डिटरमिनेंट को, उस पर जरा ध्यान देते हैं। देखो बोर्ड पे डिटरमिनेंट मैं लिखने जा रहा हूं 3 वेरिएबल के लिए। देखो क्या करना है आपको, सिंपल है, पहले आप फर्स्ट फंक्शन को ले लेंगे यू को, और इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में, एक बार वाई के रेस्पेक्ट में, एक बार जेड के रेस्पेक्ट में, पहली रो में लिख देंगे सबको। देखिए कैसे लिखेंगे, यू का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है। उसके बाद यू का वाई के रेस्पेक्ट में, तो डेल यू अपॉन डेल वाई, फिर यू का करेंगे जेड के रेस्पेक्ट में, तो डेल यू अपॉन डेल जेड, डेल यू अपॉन
डेल जेड, तो ये हमारा डिटरमिनेंट आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड रो में चलते हैं। अब हमें क्या करना है, यू का पार्शियल डेरिवेटिव करना है, एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में, एक बार वाई के रेस्पेक्ट में, एक बार जेड के रेस्पेक्ट में, और ये हमारी सेकंड रो आ जाएगी। देखिए सेकंड रो में क्या क्या आएगा, डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वी आएगा, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल जेड, ये हमारे पास आ गया, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड रो में चलेंगे तो अब हम W का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, एक बार X के रेस्पेक्ट में, एक बार Y के रेस्पेक्ट में, और एक बार Z के रेस्पेक्ट में। तो देखिए क्या आ जाएगा, डेल W अपॉन डेल X, डेल W अपॉन डेल Y एंड डेल W अपॉन डेल Z, डेल W अपॉन डेल X, डेल W अपॉन डेल Y, डेल W अपॉन डेल Z। तो यहां से हमारे पास ये थ्री वेरिएबल्स के लिए जैकोबियंस आ गया है, थ्री वेरिएबल्स के लिए जैकोबियंस आ गए, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, ये हमारे पास फाइनली एक फॉर्मूला और आ गया तीन वेरिएबल्स के लिए जैकोबियंस। तो देखिए इसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन होंगे उसमें क्या होगा, वहां पर तीन फंक्शन आपको दिए होंगे जैसे यू वी। अब देखिए एक चीज और ध्यान देना, यहां पर हम यू वी डब्ल्यू फंक्शन ले रहे हैं, वेरिएबल को एक्स वाई जेड ले रहे हैं। अब आप ऐसा एक्सपेक्ट मत करना कि क्वेश्चन में भी हमेशा यू वी और डब्ल्यू ही फंक्शन होंगे और एक्स वाई जेड ही वेरिएबल होंगे, ऐसा नहीं है। वहां पर हो भी सकता है यू वी डब्ल्यू और एक्स वाई जेड, और इसकी जगह कोई और वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो वेरिएबल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि यहां पर ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मूला आपको बनाना आना चाहिए, फॉर्मूला याद नहीं करना है, फॉर्मूले को समझना है, फॉर्मूले को समझना है। देखिए अगर आप समझेंगे तो बहुत आसानी से लिख देंगे, याद करेंगे तो गलत हो जाएगा। याद नहीं करना है, समझना है इसको अच्छे से, ठीक है। तो यहां से हम इस फॉर्मूले को अगर समझ लेंगे तो हमारे लिए क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे। तो देखिए मैंने आपको दो वेरिएबल के लिए और तीन वेरिएबल के लिए जैकोबियंस को कैसे लिखते हैं वो मैंने आपको बता दिया। ये दो वेरिएबल के लिए था, है ना। तो देखिए दो वेरिएबल का जो जैकोबियंस होगा उसमें टू बाई टू का डिटर्मिनेंट होगा, टू बाई टू का डिटर्मिनेंट होगा। तो टू बाई टू का डिटर्मिनेंट को कैसे ओपन करते हैं ये आपको लोगों को सबको अच्छे से आता होगा, नहीं आता होगा तो अभी हम क्वेश्चंस में करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये 3 बाई 3 का डिटरमिनेंट है, 3 बाई 3 का डिटरमिनेंट को कैसे ओपन करना है ये भी आपको आज क्वेश्चंस में समझ में इजीली आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए जो हमारा आज का तो बेसिक लेक्चर है, लेकिन जो हमारा आने वाला लेक्चर होगा वो भी आगे जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम प्रॉपर्टीज ऑफ जैकोबियंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए फिलहाल तो आज का लेक्चर हम देखते हैं। देखिए आज का लेक्चर में पहला क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान देंगे। देखिए इफ यू इक्वल टू एक्स वन माइनस वाई कॉमा वी इक्वल टू एक्स वाई फाइंड डेल यू कॉमा वी, और मतलब जैकोबियंस ऑफ यू कॉमा वी विद रेस्पेक्ट टू एक्स कॉमा वाई। हम इस वाले फंक्शन को कैसे रीड करेंगे, ये क्या लिखा है, ये लिखा है जैकोबियंस ऑफ यू एंड वी विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। और ये तो बहुत आसान है ना, हमें जैकोबियंस लिखना आता है, हमें जैकोबियंस लिखना अच्छे से आता है। अब अगर हमें जैकोबियंस लिखना आता है तो हम जैकोबियंस को इजीली लिखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, है ना। तो चलिए यहां पर सबसे पहले तो मैं फंक्शन लिख लेता हूं कि हमें फंक्शन क्या क्या दिए हुए हैं। देखिए हमें यहां पर दिया है u इज इक्वल टू एक्स वन माइनस वाई, उसके बाद दिया है v इक्वल टू हमारे पास है एक्स इंटू वाई, वी क्या है एक्स इंटू वाई। तो ये दो फंक्शन मुझे दिए गए हैं, है ना, यू एक्स वन माइनस वाई और वी एक्स कॉमा एक्स इंटू वाई, ये दो फंक्शन है। और हमें इन दोनों फंक्शन का क्या निकालना है, जैकोबियंस निकालना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो चलिए यहां पर अब मैं निकालना शुरू करता हूं। देखिए अच्छा हमें इसमें क्या क्या चाहिए होगा, देखिए अब दो तरीके, या तो आप पहले जैकोबियंस लिख लीजिए और वहां पर डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दीजिए डिफरेंशिएट करने के बाद, या पहले आप डिफरेंशिएट कर लीजिए और बाद में वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, जैसे भी आप करना चाहें, ठीक है। चलिए मैं एक काम करता हूं, पहले सबकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं। देखो पहले इसको देखिए, इसको मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं मैं, ये कितना हो जाएगा यू, ये आ जाएगा मेरे पास एक्स, देखो यू मेरे पास आ जाएगा यू इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वाई, और वी कितना आ जाएगा, वी तो हमारे पास दिया डायरेक्ट एक्स इंटू वाई। तो मेरे पास ये दो फंक्शन है यू एंड वी, है ना। अब देखो मुझे डिटरमिनेंट सीधी बात, जब मैं जैकोबियंस लिखूंगा तो मुझे u का डिफरेंशिएशन, u का पार्शियल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में चाहिए होगा, u का पार्शियल डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में चाहिए होगा, और v का, ठीक है। तो ये हमें चाहिए होंगे। चलिए पहले मैं एक काम करता हूं, लिख ही देता हूं जिससे कि आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आपको फाइंड क्या क्या करना है। देखो
हमें निकालना है जैकोबियंस u एंड v का विद रेस्पेक्ट टू x एंड y, x एंड y। अब इधर ध्यान देंगे, अब इसमें देखो इसका मैं फॉर्मूला जो है वो लिख रहा हूं, ठीक है। तो फॉर्मूला कैसे लिखते हैं वो अच्छे से आपको मालूम है, नहीं मालूम है एक बार और देखिए इधर, u का पार्शियल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, उसके बाद u का पार्शियल डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, देखिए u का मैंने पार्शियल डेरिवेटिव लिख दिया है, अब हम लिखेंगे v का पार्शियल डेरिवेटिव, v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, क्या क्या हमें कैलकुलेट करना है, वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए देखिए आपको इसको लिखने से पहले ही समझ में आ जाएगा कि आपको क्या क्या फाइंड करना है। देखिए डेल यू बाई डेल एक्स आपको फाइंड करना है, डेल यू बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल एक्स। तो आप इसको देख के डायरेक्टली आइडिया लगा सकते हैं कि डेल यू अपॉन डेल एक्स चाहिए होगा, डेल यू अपॉन डेल वाई चाहिए होगा, डेल वी अपॉन डेल एक्स भी कैलकुलेट करना है और डेल वी अपॉन डेल वाई भी कैलकुलेट करना है। तो चलिए इन सबको मैं कैलकुलेट कर लेता हूं और यहां पर इसमें क्या कर देंगे, फिर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा। तो चलिए मैं सबसे पहले डेल यू बाई डेल एक्स निकाल लेता हूं। देखिए कहां से आएगा, ये जो हमारे पास इक्वेशन है वन है, इसको मैं मान लेता हूं टू। तो देखिए डेल यू बाई डेल एक्स कहां से आएगा, जब मैं यू को पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा एक्स के रेस्पेक्ट में, और आपको अच्छे से मालूम है जब पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं है ना, तो आप जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं उसको छोड़ के बाकी जितने भी फंक्शन है वो कॉन्स्टेंट हो जाते हैं। तो यहां पर जब मैं डेल यू बाई डेल एक्स फाइंड आउट करूंगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स जब मैं फाइंड आउट करूंगा, तो देखो कितना आएगा इसका पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स का तो हो जाएगा वन माइनस, अब यहां पर देखो एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स वाई है, वाई कांस्टेंट है, एक्स का वन हो जाएगा, तो यहां पर एक्स वाई का कितना आ जाएगा वाई, तो ये आ गया वन माइनस वाई। चलिए उसके बाद मुझे क्या निकालना है, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई। तो चलिए डेल यू अपॉन डेल वाई भी फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी कि फिर से हमें इसी इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करना है वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियली। तो देखो एक्स का हो जाएगा जीरो, एक्स का कितना हो जाएगा जीरो माइनस, अब मैं वाई के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो वाई का तो वन हो जाएगा, यानी कि माइनस एक्स आएगा, माइनस में एक्स आएगा, तो कुल मिला के हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, अभी मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से एकदम डायरेक्टली एक एक चीज आपको बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद जब आपको आ जाएगा तो यहां पर कुछ चीजें आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए क्या निकालना हमें, डेल यू अपॉन डेल वाई हमारे पास आ गया, डेल यू पहली रो के एलिमेंट तो आ गए, ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, अब निकालते हैं डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल एक्स कितना आएगा जरा ध्यान दें, वी को एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो वी को एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वी इक्वल टू वाई आएगा, देखिए वी को एक्स का तो वन हो जाएगा और वाई कॉन्स्टेंट है तो यह आएगा वाई। उसके बाद निकालते हैं डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल वाई, तो यहां से देखिए कितना आ जाएगा, यानी कि v को y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से सारी चीजें हमने निकाल ली हैं, ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया और इसको भी निकाल लिया। अब हम इन सभी को क्या करते हैं, पुट कर देते हैं सभी वैल्यू को, तो देखिए हमारे पास फाइनली आंसर क्या आएगा, उसको मैं उधर लिख देता हूं। देखिए अब हमारे पास आ जाएगा डेल यू कॉमा वी अपॉन डेल एक्स कॉमा वाई। देखिए ध्यान दीजिए, मैं आपको क्योंकि एक एक चीज यहां पर लिख के दिखा रहा हूं तो आपको ऐसा लग रहा होगा क्वेश्चन बड़ा हो गया, लेकिन ये बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ना। आप चाहे तो डायरेक्ट, अभी मैं आपको बताऊंगा आप डायरेक्टली भी कैसे डायरेक्ट लिख सकते हैं सब कुछ। देखिए यहां पर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, देखें जरा वैल्यू क्या क्या आ रही है। देखो यहां पर डेल यू बाई डेल एक्स कितना आया, डेल यू बाई डेल एक्स आया वन माइनस वाई, तो मैं यहां पर लिख दूंगा वन माइनस वाई। उसके बाद डेल यू अपॉन डेल वाई कितना आया माइनस एक्स, तो यहां लिख दो माइनस एक्स, ठीक है माइनस एक्स। उसके बाद आगे देखिए, आगे क्या चाहिए था, डेल वी अपॉन डेल एक्स, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स आया वाई, तो वाई यहां को यहां लिख दीजिए। उसके बाद डेल वी अपॉन डेल वे डेल वाई, ये आ गया मेरे पास एक्स, ये लिख दिया। अब ध्यान से देखो जरा, टू बाई टू का डिटर्मिनेंट है ना, टू बाई टू का डिटर्मिनेंट आपको एक्सपेंड करना कैसे करना है सभी लोगों को मालूम है, नहीं मालूम है तो इधर ध्यान दीजिए। देखिए अगर मेरे पास 2 बाई 2 का डिटरमिनेंट है, यहां 2 और यहां 3 और यहां 1 और 5 लिखा है, तो देखिए कैसे एक्सपेंड करते हैं, इन दोनों एलिमेंट की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 5 10, माइनस लगाएंगे
और फिर इन दोनों के एलिमेंट की मल्टीप्लाई करेंगे 10 माइनस 3। मुझे पता है कि आप सब लोगों को आता है ना। चलिए तो अब यहां पर मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूं। देखो तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस वाई इंटू एक्स माइनस साइन। देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कैसे, 1 माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। देखिए अब ध्यान देना जरा, एक माइनस तो आ गया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग और दूसरा माइनस यहां और आएगा क्योंकि ये माइनस, देखिए माइनस एक्स है तो माइनस एक्स वाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स वाई। तो यहां से देखो मेरे पास क्या आ जाएगा, इस एक्स को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो एक्स इंटू वन एक्स, एक्स इंटू माइनस वाई एक्स वाई माइनस का और प्लस का एक्स वाई। और यहां से आप देख सकते हैं कि एक्स वाई और एक्स वाई क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली मेरे पास क्या आ गया, एक्स आ गया। फाइनली हमारे पास जो आंसर आ गया है उसको अगर हम देखें, देखिए हमारे पास आंसर क्या आएगा, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू कॉमा वी अपॉन डेल एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स। कितना आया, एक्स। तो ये मेरे पास फाइनली क्या आ गया, आंसर आ गया, क्योंकि यहां पर एक्स ही बचा था, बाकी सब क्या हो गया था, कैंसिल आउट हो गया था, ठीक है ना। तो ये हमारे पास फाइनली आंसर आ गया। तो मेरे ख्याल से अब सबको समझ में आ गया होगा, है ना। अच्छा देखो ध्यान से, अब ये इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है जितना मैंने कर दिया इसको, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आता है। तो आप इसमें देखो, ये आपके पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, छोटे छोटे फंक्शन है, क्या है, छोटे छोटे फंक्शन है। आप सीधे जैकोबियन लिखेंगे और जैकोबियन में लिखने के बाद आप डेल यू बाय डेल एक्स डायरेक्टली देखिए, आप देखेंगे इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे आप डेल यू बाय डेल एक्स, तो आपको साफ साफ पता चल रहा है 1 माइनस वाई है, तो सीधे 1 माइनस, आपको यहां दिखाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है ना। हाँ अगर बड़े बड़े फंक्शन है तो अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि बड़े बड़े फंक्शन का आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, ठीक। चलिए उसके बाद डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स, और डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करो और एक्सपेंड कर दो, फाइनली आपके पास तुरंत आंसर आ जाएगा, जैसे यहां पर आ गया हमारे पास एक्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट हो गया है, आसान सा क्वेश्चन था, है ना। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास x एक, देखिए x इक्वल टू e की पावर u sec u और y इक्वल टू e की पावर u tan u। अब ध्यान देना यहां पर जो हमारे पास फंक्शन है, कौन कौन से दो फंक्शन है, x और y, x और y क्या है, दो फंक्शन है। अब देखिए x कितने वेरिएबल का फंक्शन है, दो वेरिएबल का, u और v का, u एंड v का, और यहां पर भी y जो है u v का। देखिए इसके पहले क्या था, जो u और v थे वो x y के फंक्शन थे, यहां पर x y u v के फंक्शन हो गए हैं। तो देखिए ये सब चीजें आपस में बदलती रहेंगी, इंपॉर्टेंट हमारे लिए कि हमसे पूछा क्या गया है। देखिए हमसे पूछा गया है जैकोबियंस ऑफ x कॉमा वाई विद रेस्पेक्ट टू यू कॉमा वी, यानी कि इस बार जो ऊपर लिखे रहते हैं ना वो हमारे फंक्शन होते हैं, तो x और y जो है वो फंक्शन है और हमें उनको डिफ्रेंशिएट करना है, किसके रेस्पेक्ट में, u और v के, यानी कि हमें जैकोबियंस निकालना है x y का विद रेस्पेक्ट टू u कॉमा v। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, सबसे पहले मैं फंक्शन लिख लेता हूं। तो देखिए पहला फंक्शन हमारे पास x इज इक्वल टू e की पावर v sec u, e की पावर v sec u। दूसरा फंक्शन है y इज इक्वल टू e की पावर v tan u, e की पावर v tan u। चलिए ये हमारे पास दूसरा फंक्शन आ गया। अब हमें इसका जैकोबियंस लिखना है, क्या लिखना है, जैकोबियंस, है ना। तो चलिए मैं जैकोबियंस लिख देता हूं। देखिए जैकोबियंस क्या आएगा, इसका ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला क्या आएगा, डेल्टा एक्स कॉमा वाई, यानी कि जैकोबियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई विद रेस्पेक्ट टू यू कॉमा वी। एक्स वाई का जैकोबियंस निकालना है यू कॉमा वी के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे बनेगा फॉर्मूला, अब ध्यान दीजिए। देखिए इसीलिए मैं कह रहा था फॉर्मूला याद करोगे तो काम नहीं चलेगा, फॉर्मूले को लिखना सीख लो, कैसे लिखना है आसान हो जाएगा, याद भी नहीं करना पड़ेगा। देखिए तो आप क्या करेंगे यहां पर, ध्यान दीजिए, देखिए डिटरमिनेंट में लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव करना है, एक बार यू के रेस्पेक्ट में, एक बार वी के रेस्पेक्ट में। तो देखिए क्या आ जाएगा, डेल एक्स अपॉन डेल यू, और दूसरा एलिमेंट क्या आएगा, डेल एक्स अपॉन डेल वी। देखिए लिखना आपको आता है, क्या करते हैं, पहले एलिमेंट का पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं नीचे लिखे हुए सबके साथ में, वो पहली रो में लिख देते हैं। अब वाई का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो डेल वाई अपॉन डेल यू, डेल वाई अपॉन डेल वी। तो ये हमने फॉर्मूला लिख दिया जैकोबियंस का, है ना, जो कि लिखना बहुत ही आसान है, इसको लिखना बहुत ही ज्यादा ईजी है। चलिए अब हम आगे देखते हैं,
आगे क्या आएगा। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, डेल एक्स अपॉन डेल यू फाइंड करना है। देखिए ये हमारे पास पहली इक्वेशन, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन। देखिए x वाले फंक्शन से हमें डेल एक्स अपॉन डेल यू निकालना है, यानी कि पहली इक्वेशन को u के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है इसका। तो देखिए कितना आ जाएगा, डेल एक्स अपॉन डेल यू इज इक्वल टू डेल एक्स अपॉन डेल यू। देखिए x को u के रेस्पेक्ट में करेंगे तो देखो e की पावर v है, ये तो कॉन्स्टेंट हो गया। sec u का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, sec u का डिफ्रेंसिएशन होता है sec u tan u, क्योंकि sec x का डिफरेंशिएशन है sec x tan x, तो यहां पर sec u का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec u tan u। तो e की पावर v तो कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा, और sec u tan u। दूसरा क्या है, अब हमें दूसरे को करना y के, y हमारे पास है। देखिए दूसरा हमें क्या निकालना है, डेल एक्स अपॉन डेल वी, यानी कि x का ही v के रेस्पेक्ट में करेंगे तो sec u हो जाएगा कांस्टेंट, वैसे ही आएगा, और e की पावर v का डिफरेंशिएशन e की पावर v होता है, तो यानी कि dx डेल्टा x अपॉन डेल्टा v इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा v इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो जरा ध्यान से, ये आ जाएगा x को मुझे v के रेस्पेक्ट में करना है तो sec u तो कांस्टेंट है, e की पावर v का e की पावर v ही रहेगा, यानी कि वापस वही आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा sec u। ठीक है, तो दो चीजें हमने फाइंड आउट कर ली। अब आगे देखें क्या आएगा। देखो अब हमें निकालना है डेल y अपॉन डेल u, यानी कि y वाली इक्वेशन को u के रेस्पेक्ट में करना है, तो डेल y अपॉन डेल u, देखिए जरा कितना आएगा, डेल y अपॉन डेल u, यानी कि u के रेस्पेक्ट में इसको करेंगे तो e की पावर v, और tan u का हो जाएगा sec square u। ठीक है, यहां पर ये भी मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब सेकंड पार्ट को कैलकुलेट करते हैं, डेल y अपॉन डेल v, डेल y अपॉन डेल v, इसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। अब y को v के रेस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए e की पावर v कांस्टेंट है, सॉरी v के रेस्पेक्ट में कर रहा है, tan u कांस्टेंट है तो tan u तो ऐसे ही रह जाएगा, e की पावर v का e की पावर v होगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा। तो देखो हमने सारी चीजें फाइंड आउट कर ली हैं, अब हमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, किसमें, जैकोबियंस में। यहां पर सारी वैल्यू को उठा के रख दीजिए, आपके पास फाइनली आंसर भी आ जाएगा। देखिए कितना आएगा उसको फाइंड आउट करते हैं, तो डेल्टा एक्स कॉमा वाई, यानी कि जैकोबियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई विद रेस्पेक्ट टू यू कॉमा वी, तो कितना आएगा, यहां पर लिखते हैं फॉर्मूला, डेल एक्स अपॉन, चलिए फॉर्मूला अब मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं, फॉर्मूला तो हमारे पास लिखा ही है। तो देखिए डेल एक्स अपॉन डेल यू की वैल्यू कितनी है, ये रही, इस वैल्यू को उठा के रख दीजिए यहां से, e की पावर v sec u tan u, sec u tan u, ठीक है। उसके बाद डेल एक्स अपॉन डेल v, ये रहा e की पावर v sec u, e की पावर v sec u। आगे देखें नीचे क्या था, डेल y अपॉन डेल u, डेल y अपॉन डेल u, ये रहा e की पावर v sec स्क्वायर v, e की पावर v sec स्क्वायर u, sec स्क्वायर u। उसके बाद यहां पर डेल y अपॉन डेल v को रख देंगे e की पावर v tan u, e की पावर v tan u, तो ये मेरे पास आ गई यहां से इतनी वैल्यू। चलिए अब आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई। तो चलिए इस डिटरमिनेंट को ओपन कर देते हैं, देखिए हमारे पास क्या आएगा ओपन करने के बाद, देखें जरा ध्यान से। देखो ये मेरे पास आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, देखिए कितना आएगा, e की पावर v sec u tan u into e की पावर v tan u, tan u, tan u, ठीक है। देखिए e की पावर v sec u tan u into e की पावर v tan u माइनस इनको, देखिए इनको मल्टीप्लाई करना, e की पावर v sec स्क्वायर u इंटू e की पावर v sec u, ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले स्टेप में हम इसका आंसर लिख देंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो यहां पर अगर आप ध्यान दो, e की पावर e, e की पावर v दो बार है तो e की पावर 2v हो जाएगा, e की पावर 2v, ठीक है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूं e की पावर 2v। देखिए उसके बाद sec u,
sec u into, देखिए tan u दो बार है तो क्या मैं इसको tan square u लिख सकता हूं, माइनस e की पावर v दो बार है तो e की पावर 2v हो जाएगा। देखिए क्यों हुआ e की पावर 2v, क्योंकि आपको मालूम है कि बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है, तो v प्लस v 2u v। उसके बाद sec की पावर 2 और sec u, तो sec की पावर 3 हो गई, sec क्यूब u, ये मेरे पास आ गया। अब मैं क्या करूंगा इसमें से, देखो जरा, अब इसमें से हम इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे सिंप्लीफाई होगा उस पर जरा ध्यान दीजिए। देखिए एक काम कर सकते हैं हम इसमें, इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं कॉमन। देखो कॉमन क्या क्या आ रहा है जरा ध्यान देना, e की पावर 2v कॉमन है और sec u कॉमन है, sec u है ना, e की पावर ठीक है, e की पावर 2v और sec u कॉमन है। अंदर क्या बचेगा, और कुछ तो नहीं है कॉमन, अंदर देखिए क्या बचेगा, यहां बचेगा tan square u माइनस sec square u, और मेरे ख्याल से अब आपको पता चल गया होगा ये एक आइडेंटिटी है ना, तो इसको जरा देखिए कौन सी आइडेंटिटी हमारे पास आ रही है, इस पर जरा ध्यान देते हैं। देखो तो हमारे पास फाइनली देखिए क्या आ रहा है, del x jacobians of x comma y upon jacobians of x comma y with respect to u comma v is equal to, देखो जरा ध्यान से, e की पावर 2v sec u। देखिए ये जो है आइडेंटिटी अभी बने नहीं, इसको अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, इसमें से माइनस को कॉमन ले ले, देखिए माइनस को मैं कॉमन ले लेता हूं तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा माइनस, देखिए माइनस कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा, sec स्क्वायर u माइनस tan स्क्वायर u। देखिए आपको मालूम है कि जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, अगर आप इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो ये sec स्क्वायर u जो है प्लस हो जाएगा और tan स्क्वायर u माइनस हो जाएगा, तो इसको मैं पहले लिख देता हूं, इसको बाद में लिख देता हूं, वही किया मैंने। अब क्या करेंगे आगे, देखो अब अगर आप आपको याद हो यहां पर हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, जरा ध्यान दें इधर, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी आपको मालूम होगी। अब इसमें से अगर मैं tan को उधर ले जाऊं तो देखिए क्या आ जाएगा, 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका मतलब जो ब्रैकेट में लिखी हुई क्वांटिटी है इसकी वैल्यू तो 1 है, ब्रैकेट में लिखी गई क्वांटिटी की वैल्यू कितनी है 1 है, तो हमारे पास फाइनली देखिए आंसर क्या आ जाएगा, जैकोबियंस ऑफ x कॉमा वाई विद रेस्पेक्ट टू यू कॉमा वी इज इक्वल टू, ये माइनस साइन रहेगा, e की पावर 2v sec u, ये मेरे पास फाइनली जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए ये फॉर्मूला, ये हमारे पास इसका क्या है, क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है ना। चलिए तो ये फाइनली हमारे पास क्वेश्चन का आंसर है, हमने इसमें क्या किया, इस आइडेंटिटी का यूज किया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो ये आइडेंटिटी को मैंने यहां पर यूज कर लिया। चलिए तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारे पास आ गया, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, आसान है, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो 2 मार्क्स के लिए बड़ा क्वेश्चन नहीं है बेटा, बहुत जल्दी ही हो जाएगा, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, एक एक स्टेप बता रहा हूँ, इसलिए मुझे इतना समय लग रहा है, नहीं तो अगर आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो हार्डली आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेगा और आसानी से आपका 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हाँ फिर से हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा y equal to r sin theta, find Jacobians of x comma y with respect to r comma theta and Jacobians of r comma theta with respect to x comma y. Also prove that j comma j into j dash is equal to 1. अब ये j क्या है? इसको j को भी जरा ध्यान दीजिए. देखिए j actual में Jacobians ही है. देखिए starting में अगर हम आ जाएं, तो ये जो मैंने representation यहाँ पर लिखा है, इस रिप्रेजेंटेशन को, इसको इसको आप शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा कैसा आप लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जे यू कॉमा वी, इसका मतलब क्या है, इसको कैसे रीड करेंगे, जैकोबियंस ऑफ यू कॉमा वी, ठीक है, जैकोबियंस ऑफ यू कॉमा वी विद रेस्पेक्ट टू एक्स कॉमा वाई, तो एक्चुअल में जैकोबियंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं,
ठीक है, लेकिन हम इसी रिप्रेजेंटेशन को मैक्सिमम जगह पर यूज करेंगे, लेकिन कहीं पर अगर आ जाता है तो जैकोबियंस को रिप्रेजेंट करते हैं हम जे से, जे से ऑल, हम जैकोबियंस को जे से भी क्या करते हैं रिप्रेजेंट करेंगे, और जब हम कल प्रॉपर्टीज और जैकोबियंस पढ़ेंगे तो वहां पर हम जे का यूज भी करेंगे, ठीक है। चलिए तो फिलहाल हम क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था हमारे पास, हाँ ये था हमारे पास क्वेश्चन, यहां पर हमारे पास फंक्शन दे रखे एक्स और वाई, और इसको ध्यान दीजिए जरा। देखिए अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स में पूछा जाएगा तो पूरा नहीं पूछा जाएगा, अगर 2 मार्क्स में पूछेंगे तो ये क्वेश्चन देखिए कहां तक आएगा आपके पास, अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो आपके पास केवल इतना आएगा यहां तक, है ना, यहां तक ये 2 मार्क्स में, एक एडीयू में 2 नंबर में ये क्वेश्चन आ चुका है, यहां तक आया, पूरा नहीं आया 2 नंबर में, ठीक है। अगर ये पूरा आएगा तो फिर ये पूरा क्वेश्चन जो है आपका ये 2 मार्क्स में नहीं आएगा, फिर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, किसमें आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में। चलिए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए मतलब ये क्वेश्चन आधा पूछेंगे तो 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं, पूरा पूछेंगे तो फिर लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा ये, तो हम तो कंप्लीट करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए सबसे पहले मैं यहां पर फंक्शन लिख लेता हूं, फंक्शन क्या क्या है, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये मेरे पास 2 फंक्शन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। मुझे क्या करना है, इन दोनों का जैकोबियंस फाइंड करना है विद रेस्पेक्ट टू आर एंड थीटा। तो चलिए इनका जैकोबियंस को फाइंड आउट करते हैं, देखिए जरा। तो मैं पहले यहां पर जैकोबियंस का फॉर्मूला जो है वो लिख लेता हूं, देखिए क्या होगा, डेल्टा एक्स कॉमा वाई अपॉन डेल्टा आर कॉमा थीटा इज इक्वल टू, देखिए कैसे लिखेंगे, आपको लिखना आता है अच्छे से, तो पहले आप क्या करेंगे, पहले हम देखिए पहले हम डेल्टा एक्स कॉमा वाई, जैकोबियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई विद रेस्पेक्ट टू जैकोबियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई विद रेस्पेक्ट टू आर कॉमा थीटा। तो देखिए कैसे इसका फॉर्मूला लिखेंगे, अब जरा ध्यान दें, एक्स और वाई का जैकोबियंस लिखना हमें है ना, एक्स और वाई का, तो क्या क्या आएगा देखो जरा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा आर और डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा थीटा, ठीक है। दूसरी रो में, सेकंड रो में देखो क्या आएगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आर, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा थीटा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा थीटा, तो ये मेरे पास एक डिटरमिनेंट आ गया 2/2 का। अब मुझे यहां पर जितनी भी वैल्यूज दिखाई दे रही है उन सबको मैं कैलकुलेट करूंगा, इसमें पुट कर दूंगा, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कितने आसान ये क्वेश्चन है, है ना। चलिए तो इसको फाइंड आउट करते हैं, तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना, डेल एक्स अपॉन डेल आर, तो देखिए इक्वेशन वन से हम डेल एक्स अपॉन डेल आर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो जरा, डेल एक्स अपॉन डेल आर इज इक्वल टू, आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को आर के रेस्पेक्ट में करना है। अब एक बार बताइए, अगर आप आर कॉस थीटा को आर के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आर का तो 1 हो जाएगा, आपको मिलेगा कॉस थीटा, क्या मिलेगा, कॉस थीटा। उसके बाद डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, यानी कि इसी इक्वेशन को थीटा के रेस्पेक्ट में करना है, तो डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, अब जरा ध्यान देंगे, अगर आप इसको आर कॉस थीटा को थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आर तो हो जाएगा कॉन्स्टेंट, और कॉस थीटा का लिखना पड़ेगा आपको डिफरेंशिएशन, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस आर साइन थीटा, क्योंकि आपको अच्छे से मालूम है कॉस थीटा का कितना होता है, माइनस साइन थीटा। उसके बाद आगे देखिए क्या निकालना, डेल वाई अपॉन डेल आर, अब वाई वाले इक्वेशन को आप आर के रेस्पेक्ट में करेंगे तो साइन थीटा कॉन्स्टेंट होगा, तो आर साइन कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, तो डेल वाई अपॉन डेल आर इज इक्वल टू साइन थीटा, तो यहां से हमें मिल गया साइन थीटा। अब आगे चलते हैं, देखिए आगे देखिए क्या मिलेगा, एक और रह गया हमारे पास, डेल वाई अपॉन डेल थीटा, यानी कि डेल वाई अपॉन डेल थीटा देखिए कितना आएगा, डेल वाई अपॉन डेल थीटा, यानी कि वाई को आपको डिफ्रेंशिएट करना है, y को डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू थीटा, विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो देखिए थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे कितना आएगा, थीटा r कांस्टेंट हो गया, तो r अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो साइन थीटा का कॉस थीटा, यानी कि आ जाएगा r कॉस थीटा, तो ये मेरा फाइनली डिफरेंशिएशन हो गया। अब मैं क्या करूंगा देखो जरा ध्यान से, अब सिर्फ हमें इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, तो चलिए वैल्यू को पुट करते हैं, देखिए कितना आएगा, डेल्टा x कॉमा वाई, यानी कि जैकोबियंस ऑफ x कॉमा वाई विद रेस्पेक्ट टू r कॉमा थीटा इज इक्वल टू r कॉमा थीटा इज इक्वल टू, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं
देखिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे क्या आएगा, देखिए जरा डेल एक्स अपॉन डेल आर कितना है, कॉस थीटा, उसके बाद डेल एक्स अपॉन डेल थीटा आर साइन थीटा माइनस आर साइन थीटा, माइनस आर साइन थीटा। अच्छा उसके बाद डेल वाई अपॉन डेल आर साइन थीटा यहां आ जाएगा, उसके बाद डेल वाई अपॉन डेल थीटा आर कॉस थीटा यहां पर आएगा। ये आ गया मेरे पास डिटरमिनेंट। अब इसके आगे देखते हैं कितना आएगा, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए सिंप्लीफाई करने में कितना आएगा जरा ध्यान देना, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हाँ तो देखिए आर कॉस थीटा और आर कॉस थीटा की मल्टीप्लाई करेंगे तो आर ऐसी रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस दो बार आ रहा है। उसके बाद माइनस, अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे देखो ये एक माइनस यहाँ पे एक माइनस फॉर्मूले का आ गया, एक माइनस पहले से लगा है। देखो डिटरमिनेंट को ओपन करते समय बीच में माइनस आता है और एक माइनस जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस में आर साइन स्क्वायर थीटा आएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा। यहां से मैं आर को कॉमन ले लेता हूं तो आर कॉमन लेने पर मेरे पास क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और आप अच्छे से जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो वन होती है, तो हमारे पास फाइनली देखिए आंसर आ जाएगा डेल्टा एक्स यानी कि जैकोबियन ऑफ एक्स कॉमा वाई विद रेस्पेक्ट टू जैकोबियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई विद रेस्पेक्ट टू आर कॉमा थीटा इज इक्वल टू, देखिए कितना आएगा जरा ध्यान देंगे, यहां पर यह वन हो जाएगा केवल आर बचेगा, तो आर इसका आंसर आ जाएगा, आर जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर भी आ गया, ठीक है। तो लेकिन अभी आधा पार्ट हुआ है, अभी आधा पार्ट हुआ है, अभी कंप्लीट क्वेश्चन नहीं हुआ है। देखिए जरा ध्यान दीजिए, आधा क्यों हुआ है, क्योंकि अभी तो हमने जैकोबियन ऑफ एक्स कॉमा वाई विद रेस्पेक्ट टू आर थीटा निकाला है, अभी हमें जैकोबियंस ऑफ आर थीटा विद रेस्पेक्ट टू एक्स कॉमा वाई भी निकालना, उल्टा कर दिया इस बार, तो इसको कैसे करेंगे। तो देखिए इसको करने के लिए सबसे पहले तो आपको आर और थीटा को फाइंड आउट करना है, क्या करना है आर और थीटा को फाइंड आउट करना है। हालांकि जब हम प्रॉपर्टीज और डिटरमिनेंट को पढ़ लेंगे, प्रॉपर्टीज और डिटरमिनेंट को पढ़ लेंगे तो इसको हमें अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, हम इसी की हेल्प से उसको निकाल सकते हैं। इसका ही एक्चुअल में वो रेसिप्रोकल होगा, देखिए उल्टा हो गया ना, यहां एक्स वाई का जैकोबियन पूछा था आर थीटा के रेस्पेक्ट में, वहां आर थीटा का जैकोबियन पूछा है एक्स वाई के रेस्पेक्ट में, तो आंसर भी क्या होगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, वहां भी रेसिप्रोकल हुआ यहां भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि उसका आंसर आएगा वन अपॉन आर। लेकिन हम यहां पर प्रॉपर्टी का यूज नहीं कर सकते, अभी ऐसा नहीं कि हमने पढ़ी नहीं है इसलिए नहीं कर सकते, हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमें आगे प्रूव करने के लिए बोला कि आप इसको प्रूव करिए, ठीक है ना, आप इसको क्या करिए प्रूव करिए, हमसे ऐसा कहा गया है। जे और जे डैश, यहां जे और जे डैश क्या है, जे यहां पर जैकोबियन, इस वाले जैकोबियन को जी से रिप्रेजेंट किया है और उसके जैकोबियन को जे डैश से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं यहां से एक काम हम कर सकते हैं, इसको मैं जे लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं इसको जे। देखिए अब जरा आप आगे ध्यान दें, देखो यानी कि इसको मैं और आगे लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं जे इक्वल टू J is equal to R। तो ये मेरे पास आ गया जैकोबियंस, ये लीजिए, समझ में आ गया सबको, यानी कि इसकी जगह मैं J पुट कर सकता हूं। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको फाइंड करना है जिसको मैं बोलूंगा J डैश और उसकी वैल्यू मुझे मल्टीप्लाई करके वन आनी चाहिए। देखो सीधी सी बात है, अगर J R है तो J डैश इसका रेसिप्रोकल होगा तो वन अपॉन आर हो जाएगा, और R इंटू वन अपॉन आर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वन ही आ जाएगा, और वही मुझे प्रूफ करना है। लेकिन हमें प्रूफ करके दिखाना है, क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है जो हम कल पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें प्रॉपर्टी का यूज नहीं करना है क्योंकि हमसे प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए बोला है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, देखिए कितना आएगा, अब ध्यान दें इधर। तो पहले मैं एक काम करता हूं, इसका जैकोबियंस को मैं लिख लेता हूं, लेकिन जैकोबियंस को लिखने से पहले हमें आर और थीटा को फाइंड करना पड़ेगा, आर और थीटा को फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे फाइंड होगा आर और थीटा, उसको जरा ध्यान दीजिए। देखिए ये जो मेरे पास इक्वेशन वन एंड टू है, अगर मैं इनको स्क्वायर करके एड कर दूं तो मुझे आर मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा आर मिल जाएगा। देखिए अगर आर कॉस थीटा आर साइन थीटा की इक्वेशन जब हमें गिवन होती है तो हमेशा अगर हमें आर स्क्वायर को फाइंड आउट करना है तो इन इक्वेशन को हमेशा आप क्या करेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो आप क्या करेंगे
इन दोनों इक्वेशन का क्या करेंगे, स्क्वायर भी करेंगे एंड एड भी करेंगे। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, वन एंड टू को स्क्वायर करके एड कर दीजिए बस। तो ऐसा करने से आपको क्या मिल जाएगा, जरा ध्यान देंगे। देखिए, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर करूंगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, सेकंड इक्वेशन का स्क्वायर करूंगा तो वाई स्क्वायर आएगा। देखिए, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ ऐड करते हैं, राइट साइड को राइट साइड के। तो मैंने लेफ्ट साइड का स्क्वायर ऐड कर दिए, इसका एक्स का स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दिया इक्वल टू। यहां पर आर कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा का होल स्क्वायर, आर साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहां से देखिए कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और फाइनली जो मुझे मिलेगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। देखो मिल गया आर स्क्वायर, यानी कि इस तरह की इक्वेशन में जब दी हूं तो साइन थीटा और कॉस थीटा एलिमिनेट हो जाते हैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग करने के बाद। तो यहां से मुझे जो फाइनली मिला वो क्या मिला, देखिए जरा, आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर थ्री, इक्वेशन नंबर थ्री। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और देखिए अब हमारे पास क्या आएगा। देखिए हाँ, अब ये लास्ट वाली इक्वेशन को मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेता हूं, क्या आ रहा है, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर थ्री, इक्वेशन नंबर थ्री। अब क्या करना है, जरा ध्यान से देखें, अब आगे क्या करना है। देखो अब अगर हम ध्यान दें, ये इक्वेशन थी, देखो अब क्या करना है, अब मुझे थीटा को फाइंड आउट करना है। कैसे करना है, थीटा को फाइंड आउट करना है, थीटा कैसे आएगा उस पर भी जरा ध्यान देते हैं। देखिए अगर आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें, डिवाइड कर दें तो आर से आर कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, तो डिवाइड इक्वेशन टू बाई वन, डिवाइड 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 इक्वेशन टू बाई वन, इक्वेशन टू को वन से डिवाइड कर दो। तो टू को डिवाइड करेंगे तो देखिए राइट साइड राइट के साथ डिवाइड होगी, लेफ्ट साइड लेफ्ट के साथ डिवाइड होगी। देखो तो अगर आप टू को डिवाइड करेंगे तो ऊपर देखिए मैं राइट साइड लिख रहा हूं, पहले राइट आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा आएगा, आर साइन थीटा, देखिए आर साइन थीटा अपॉन आर साइन थीटा अपॉन में आर कॉस थीटा, और दूसरी साइड में देखो क्या लिखा था, y अपॉन एक्स, क्या लिखा था, y अपॉन एक्स। तो y अपॉन एक्स को लेफ्ट में लिखो राइट में लिखो उससे फर्क नहीं पड़ रहा, मैंने राइट में लिख दिया है। ठीक है, चलिए अब हमारे पास देखो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, यहां देखो r से r कैंसिल आउट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन एक्स, और यहां से थीटा कितना आ गया मेरे पास, थीटा यहां से आ जाएगा मेरे पास टेन इनवर्स y अपॉन एक्स, ये मेरे पास देखिए थीटा आ गया, और इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर फोर। तो मेरे पास इक्वेशन थर्ड आ गई, इक्वेशन फोर्थ आ गई, और अब हमें इनकी हेल्प से ही, इन्हीं की हेल्प से हमें अगले वाले टॉपिक को सॉल्व करना है। अब देखिए मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है जैकोबियंस ऑफ आर कॉमा थीटा विद रेस्पेक्ट टू एक्स कॉमा वाई। और अब हम इसको इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्यों फाइंड आउट कर सकते हैं जरा उस पर भी आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए हाँ चलिए, देखिए हम यहां तक पहुंच गए, अब हमें r भी मिल गया और थीटा भी मिल गया, अब हमें फाइंड क्या करना है, जैकोबियंस ऑफ r कॉमा थीटा। देखिए जैकोबियंस ऑफ r कॉमा थीटा, मैं इसको यहां पर लिख लेता हूं, देखिए कितना आएगा, जैकोबियंस ऑफ r कॉमा थीटा विद रेस्पेक्ट टू x कॉमा y।
तो मैं आर कॉमा थीटा का जैकोबियंस लिख रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू एक्स कॉमा वाई, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स कॉमा वाई। देखिए कितना आएगा, जैकोबियंस ऑफ आर कॉमा थीटा विद रेस्पेक्ट टू एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, देखिए लिखना आपको आता है अच्छे से कैसे लिखा जाता है, यहां पर क्या आएगा, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एक्स। पहले आप आर का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर आर का करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में, और पहली रो आ जाएगी, तो डेल आर अपॉन डेल वाई। दूसरे में देखिए थीटा का करेंगे डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा वाई, ये है जैकोबियंस, है ना। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यूज जो आ रही है इसमें वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखें अब जरा ध्यान से, देखो तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा, आप देखें इसको, देखो हमें डेल आर अपॉन डेल एक्स निकालना है, डेल आर अपॉन डेल वाई निकालना है, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स निकालना है, डेल थीटा अपॉन डेल वाई निकालना है, और इसमें कर देना है पुट। तो चलिए इनको सब्स्टिट्यूट करते हैं थ्री एंड फोर की हेल्प से, देखो कितना आ जाएगा। देखिए तो मैं पहले डेल आर अपॉन डेल एक्स को निकाल लेता हूं, देखिए डेल आर अपॉन डेल एक्स कहां से आएगा, यहां से आएगा, देखो यहां से, ठीक है, इसको पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे आप इक्वेशन थर्ड का, कैसे करेंगे ध्यान देना जरा, लेफ्ट साइड में आर स्क्वायर लिखा है, आपको आर स्क्वायर को एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, और क्योंकि आर कॉन्स्टेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि आर एक्स का फंक्शन है, तो देखिए आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन थर्ड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो मैं यहां पर लिख देता हूं डिफरेंशिएट पार्शियली, पार्शियली डिफरेंशिएट पार्शियली इक्वेशन थ्री विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है ना, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए कितना आ जाएगा, अब यहां पर जरा ध्यान देंगे, देखो आर स्क्वायर का टू आर, आर स्क्वायर का टू आर डेल आर अपॉन डेल एक्स, देखिए क्योंकि आर क्या है, आर एक्स का फंक्शन है, तो आर कॉन्स्टेंट नहीं है, तो जब आप आर का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो आर स्क्वायर का टू आर हो जाएगा, और चेन रूल के अकॉर्डिंग डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एक्स आएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कितना आएगा टू एक्स, और देखिए y का जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि y तो कांस्टेंट है, y क्या है, कांस्टेंट है, ठीक। तो यहां से हमारे पास देखिए डेल्टा r अपॉन डेल्टा x कितना आ जाएगा, डेल्टा r अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू, देखिए 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, और यहां पर x अपॉन r आ जाएगा, x अपॉन r आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहां पर डेल्टा r अपॉन डेल्टा x हमारे पास आ गया है, अब हमें क्या करना है, डेल्टा r अपॉन डेल्टा y, यानी कि अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 बाय विद रिस्पेक्ट टू y, विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो देखिए डिफरेंशिएट पार्शियली, पार्शियली इक्वेशन थर्ड विद रेस्पेक्ट टू वाई, इस बार वाई के रेस्पेक्ट में करना है, तो देखो वाई के रेस्पेक्ट में कितना आ जाएगा, जरा ध्यान देंगे, वाई के रेस्पेक्ट में आएगा हमारे पास आर स्क्वायर का टू आर डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई। देखिए ऐसा क्यों हुआ अगेन, क्योंकि r जो है वो y का फंक्शन है, तो इसलिए r स्क्वायर का 2r और डेल्टा r अपॉन डेल्टा y इज इक्वल टू, देखिए x इस बार कांस्टेंट है, x का 0 हो जाएगा, और y स्क्वायर का 2y, 2 से 2 कट गया, और यहां से हमें डेल्टा r अपॉन डेल्टा y मिल जाएगा, जो कि होगा y के इक्वल, तो मेरे पास डेल्टा r अपॉन डेल्टा y आ गया, डेल्टा r अपॉन डेल्टा x भी आ गया है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू को मैं फाइंड आउट करता हूं, देखिए कितनी आएगी, अब क्या निकालना है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स, यहां से डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स, इससे इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो अब जरा ध्यान दीजिए इसको, मैं अभी मैं लिख नहीं रहा हूं बार बार, यहां पर मैंने लिख दिया था, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिए, हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, देखिए कितना आएगा, तो इक्वेशन थर्ड का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स मिल जाएगा, तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, चलिए टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन आपको मालूम है, वन अपॉन एक्स, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और यहां पर एक्स की जगह क्या लिखा है, वाई अपॉन एक्स, तो ये आ जाएगा वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर,
ठीक है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हम चेन रूल लगाएंगे। अब y अपॉन x का करेंगे, y तो कांस्टेंट है क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और 1 अपॉन x का माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है ना। तो 1 अपॉन x का माइनस में 1 अपॉन x स्क्वायर, यानी कि y तो रहेगा ही, तो यहां पर ये आ जाएगा हमारे पास। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे देखिए कितना आएगा, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू, यहां से नीचे से मैं एलसीएम लूंगा तो देखो कितना आएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर और इनटू में वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस में। अब यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहां पर ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स आ जाएगा। तो देखिए डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, ऊपर माइनस वाई अपॉन माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मेरे पास आ जाएगा। डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स ऊपर चला गया हमारे पास माइनस वाई और अपॉन में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स भी आ गया, ठीक है ना, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स भी आ गया। तो देखिए हमारे पास तीन वैल्यू तो हमारे पास आ गई, डेल आर अपॉन डेल एक्स है ना, डेल आर अपॉन डेल वाई और डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स। अभी एक वैल्यू को और फाइंड आउट करना है, उसको भी जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए कितना आएगा, क्या बच गया, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा वाई। तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा वाई, कहां से आएगा, यहां से। देखिए इसको वाई के रेस्पेक्ट में करना है तो फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, है ना। तो वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, देखिए कितना आ जाएगा, वन अपॉन वन प्लस y अपॉन x का होल स्क्वायर इंटू चेन रूल लगाएंगे। देखिए इस बार y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y का 1 हो जाएगा, x ऐसे ही रहेगा, यानी कि 1 अपॉन x, 1 अपॉन x। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 अपॉन एलसीएम लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और यहां पर हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन x, और यहां से एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, ये एक एक्स कट गया और एक्स एक बचा जो वो ऊपर चला जाएगा। तो यहां से मेरे पास डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू भी आ गई, ठीक है ना, ये मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू भी आ गई है, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, अब हमें इन चारों वैल्यू को इस जैकोबियन में पुट कर देना है, और चारों वैल्यू को पुट करने के बाद अब इसको करेंगे हम सिंप्लीफाई। देखिए यहां पर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पर नहीं आ पाएगा, तो मैं एक काम करता हूं, नेक्स्ट स्लाइड एक ले लेता हूं। देखिए हाँ देखिए अब जरा देखिए, तो हमारे पास जो जैकोबियन है डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई, देखिए कितना आएगा, जैकोबियंस ऑफ आर कॉमा थीटा, जैकोबियंस ऑफ आर कॉमा थीटा अपॉन विद रेस्पेक्ट टू, जैकोबियंस ऑफ आर कॉमा थीटा विद रेस्पेक्ट टू एक्स कॉमा वाई, विद रेस्पेक्ट टू, चलो देखिए, जैकोबियंस ऑफ r कॉमा थीटा विद रेस्पेक्ट टू एक्स कॉमा वाई, देखिए कितना आ जाएगा, r कॉमा थीटा का जैकोबियंस विद रेस्पेक्ट टू एक्स कॉमा वाई, r थीटा का एक्स कॉमा वाई। तो यहां पर मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, देखिए डेल r अपॉन डेल x की वैल्यू x अपॉन r है, x अपॉन r, तो हम यहां पर पुट कर देते हैं x अपॉन r। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू देखें जरा, डेल r अपॉन डेल y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, y, एक मिनट, डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू वाई नहीं है, आर भी तो नीचे जाएगा, तो यहां पर आर भी है, क्या है, आर है, वाई अपॉन आर, ठीक, इसको करेक्ट कर लें, देखें हाँ, तो हमारे पास वाई अपॉन आर, तो यहां पर मुझे मिला वाई अपॉन आर। अगले स्टेप में देखें, उसके बाद डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आ रही माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर
एक काम और कर सकते हैं हम यहां पर, देखो ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, एक चीज ध्यान दें यहां पर, ये जो वैल्यू मेरे पास आई है, इस वैल्यू को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो ये माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और आपको मालूम है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना, आर स्क्वायर, तो मैं इसकी जगह माइनस वाई अपॉन आर स्क्वायर लिख देता हूं, माइनस वाई अपॉन आर स्क्वायर। सिमिलरली यहां पर भी, यहां पर भी मैं इसकी जगह पर क्या लिख लेता हूं, एक्स अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो वैल्यू है थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो जाएंगे, ठीक है, तो हम इनको सब्स्टिट्यूट करते हैं। चलिए अब देखो कितना आएगा, तो हमारे पास वाई अपॉन आर, और उसके बाद डेल्टा थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है माइनस वाई अपॉन आर स्क्वायर, माइनस वाई अपॉन आर स्क्वायर। उसके बाद डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा वाई की वैल्यू लास्ट वाली जो है वो एक्स अपॉन आर स्क्वायर आ रही है, एक्स अपॉन आर स्क्वायर, ये मेरे पास वैल्यू फाइनली यहां से आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कितना आएगा। देखो जरा यहां से मैं इस डिटरमिनेंट को ओपन करूं तो देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि एक्स अपॉन आर इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर। देखिए ध्यान देना, एक्स अपॉन आर इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर माइनस, अब देखिए माइनस आ गया और ये माइनस एक और है तो माइनस माइनस प्लस। देखिए वाई इंटू वाई, यानी कि वाई अपॉन आर स्क्वायर इंटू वाई अपॉन आर, तो कितना आ जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद, एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, अच्छा नीचे आर क्यूब हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। एड करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो आर क्यूब, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ऊपर हमारे पास बनेगा देखिए आर स्क्वायर अपॉन आर की पावर थ्री, आर की पावर थ्री। तो मेरे पास जो फाइनली आंसर आएगा उस पर जरा ध्यान दीजिए, फाइनली हमें मिलेगा डेल जैकोबियंस ऑफ आर कॉमा थीटा विद रेस्पेक्ट टू जैकोबियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू। देखिए यहां पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक पावर नीचे बचेगी, तो वन अपॉन आर। तो ये मेरे पास फाइनली जैकोबियंस आ गया है, ठीक है ना। चलिए देखें, तो ये हमारे पास आ गया है जैकोबियंस, ठीक है। और इसको कैसे लिख सकते हैं देखें जरा ध्यान से, और हम इसको लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं जे डैस, ये क्या हो गया हमारा, जे डैस इज इक्वल टू वन अपॉन आर, जे डैस इज इक्वल टू वन अपॉन आर, ठीक है। लेकिन हमें एक चीज और प्रूव करनी थी, उस पर भी जरा ध्यान देते हैं। देखिए क्या प्रूव करना था हमें, j इंटू जे डैश को 1 प्रूव करना था, तो j की वैल्यू कितनी है, j की वैल्यू हमारे पास आई थी, j कहां गया, देखो हमने j फाइंड किया था, r आया था हमारे पास, j कितना आया था, r, और j डैश हमारे पास आ गया 1 अपॉन r, तो इसका मतलब j इंटू जे डैश इज इक्वल टू r इंटू 1 अपॉन r, और r से r कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास जो फाइनली आंसर बचेगा वो क्या हो जाएगा, j इंटू जे डैश इज इक्वल टू 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1 हमारे पास आ जाएगा, और यही हमें लाना था, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, ये हेंस प्रूव्ड। देखिए क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत आसान, इतना समय नहीं लगेगा जितना समय मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, ठीक है। आप करेंगे तो बहुत आसानी से कर लेंगे, और ये अगर पूरा क्वेश्चन आएगा तो लॉन्ग में आएगा, नहीं तो अगर यहां तक पूछा जाएगा तो 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हाँ देखिए, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, जेड इक्वल टू जेड, और हमें फाइंड करना है जैकोबियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड विद रेस्पेक्ट टू आर थीटा एंड जेड। यानी कि यहां पर अब 3 वेरिएबल का जैकोबियंस आ गया, कितने वेरिएबल का, 3 वेरिएबल। अभी तक तो हमने 3 क्वेश्चन किए थे, वो जैकोबियंस था 2 वेरिएबल का, अब हमारे पास जैकोबियंस है 3 वेरिएबल का। तो चलिए 3 वेरिएबल्स वाले जैकोबियंस को कैसे करते हैं जरा ध्यान दीजिए, आसान है, वैल्यू सिर्फ सब्स्टिट्यूट करनी है। तो सबसे पहले मैं यहां पर x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, एंड जेड इक्वल टू जेड,
ये मेरे पास तीन इक्वेशन है, इन तीनों इक्वेशन को मैंने लिख लिया है क्योंकि हमें इनका पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, पार्शियल डेरिवेटिव। तो तीन इक्वेशन मेरे पास आ गई। चलिए अब क्या करेंगे, जैकोबियंस, क्या मैं जैकोबियंस को लिख दूं पहले, आसानी रहेगी, हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। तो चलिए जैकोबियंस को लिख लेते हैं। देखिए फॉर्मूला लिखना सीखिए, कैसे लिखेंगे, रटना नहीं है, याद नहीं करना उसको। डेल्टा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, यानी कि जैकोबियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड विद रेस्पेक्ट टू आर कॉमा थीटा कॉमा जेड इज इक्वल टू, देखो कितना आ जाएगा, कैसे लिखेंगे जैकोबियंस को, जरा ध्यान दीजिए। देखिए हाँ, सबसे पहले एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव आर के रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में। तो पहली लाइन में क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा आर, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा थीटा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा जेड, ये पहली लाइन मेरी आ चुकी है। चलिए अब नेक्स्ट लाइन में देखिए क्या आएगा, ध्यान दे, अब मुझे क्या करना है, वाई का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। तो डेल वाई अपॉन डेल आर, डेल वाई अपॉन डेल थीटा और डेल वाई अपॉन डेल जेड, उसके बाद जेड का लेना पार्शियल डेरिवेटिव, तो डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा आर, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा, सॉरी डेल्टा जेड है, डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा थीटा और डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा जेड, डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा जेड। अब अगर इसमें आप ध्यान देंगे तो देखो जो डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा जेड है ये तो हो जाएगा वन, क्या जाएगा ये वन आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, वन बचेगा, बाकी सारी चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए कितना आएगा, ध्यान देना जरा। अब हम कैलकुलेट करते हैं सारा डेटा, है ना, देखो देखिए सिर्फ फॉर्मूला देखने में लग रहा है कि बड़ा है, लिखना बहुत आसान है और इसको क्वेश्चन को करना भी बहुत आसान है। सबसे पहले डेल एक्स अपॉन डेल आर चाहिए, देखिए डेल एक्स अपॉन डेल आर कितना आ जाएगा, डेल एक्स अपॉन डेल आर, है ना। देखिए ये सारी वैल्यू आप चाहे तो डायरेक्टली, चलिए मैं आपको आप डायरेक्टली पुट कर देता हूं। देखो अब हम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली फाइंड आउट कर रहे हैं, देखिए कितना आ जाएगा। देखो इधर ध्यान दीजिए, डेल्टा एक्स यानी कि जैकोबियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड विद रेस्पेक्ट टू जैकोबियंस ऑफ आर कॉमा थीटा कॉमा जेड। अब हमें समझ में आ गया कि हमें कैसे लिखना है, देखो जरा हमें डिफरेंशिएशन ही तो करना है, सिंपल फंक्शन है, सिंपल फंक्शन के डिफरेंशिएशन अगर है तो डायरेक्ट लिख देते हैं। देखो अब मुझे क्या करना है, डेल्टा एक्स को यानी कि एक्स को आर के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है। तो इसका अगर मैं आर के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा तो कॉस थीटा तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा और आर का वन आ जाएगा, तो यह आएगा कॉस थीटा, कितना आएगा कॉस थीटा आएगा, तो यहां पर लिख देते हैं कॉस थीटा, है ना। उसके बाद एक्स को करना थीटा के रेस्पेक्ट में, अब इसी को करना थीटा के रेस्पेक्ट में, जब मैं इसको थीटा के रेस्पेक्ट में करूंगा तो आर कॉन्स्टेंट हो जाएगा और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो माइनस आर साइन थीटा, माइनस आर साइन थीटा, है ना। उसके बाद मुझे इसको करना जेड के रेस्पेक्ट में, जेड इसमें है ही नहीं, यानी कि जेड के रेस्पेक्ट में करना है तो आर भी कॉन्स्टेंट थीटा भी कॉन्स्टेंट, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा जीरो, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा जीरो। और आगे चलते हैं, अब डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आर निकालते हैं, यानी कि वाई को हमें आर के रेस्पेक्ट में करना है, तो देखिए आर के रेस्पेक्ट में करना साइन थीटा कॉन्स्टेंट हो गया, आर का वन हो जाएगा तो साइन थीटा आ जाएगा, तो यह आ जाएगा मेरे पास साइन थीटा। उसके बाद आगे चलते हैं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा थीटा, यानी कि अब मुझे इसको थीटा के रेस्पेक्ट में करना है तो आर कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा का कॉस थीटा होता है, तो आर कॉस थीटा। उसके बाद वाई को जेड के रेस्पेक्ट में, जेड इसमें है ही नहीं, जीरो आ जाएगा, ये लीजिए जीरो आ गया। उसके बाद देखिए डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा आर, तो देखिए इसको अगर जेड को आर के रेस्पेक्ट में करोगे जीरो आएगा क्योंकि इसमें आर है ही नहीं, तो जीरो आ गया। उसके बाद जेड को थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे फिर से जीरो आएगा क्योंकि थीटा है ही नहीं इसमें, और अगर आप जेड को जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वन आएगा, कितना आएगा वन आएगा। तो देखिए ये मेरे पास फाइनली आ चुका है ना, देखो कितना आसान हो गया, है ना। वो तो हमें लिखने में सिर्फ समय लग रहा है, अगर सिंपल फंक्शन तो डायरेक्ट इसके अंदर पुट कर दीजिए डिफ्रेंशिएट करके। चलिए अब इस डिटरमिनेंट को, ये डिटरमिनेंट 3/3 का, इसको मुझे ओपन करना है, तो आपको मालूम है ओपन कैसे करते हैं। देखिए इसको ओपन करना वैसे भी आसान है,
किसी भी डिटरमिनेंट को हम, आपको मालूम है, किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मैं इसको एक काम कर रहा हूं, R3 के अबाउट एक्सपेंड कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि डिटरमिनेंट में जिस रो में सबसे ज्यादा जीरो आ रहे हो, उसी रो के अबाउट डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने में क्या रहता है, बेनिफिट रहता है, फायदा रहता है। ठीक है, तो हम इस रो के अलॉन्ग अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो इस रो में हमें केवल एक ही नंबर मिल रहा है, वन। तो मैं वन लिखूंगा, और उसके बाद जिस रो के, देखिए वन इसके, तो इस कॉलम और इस रो को हटा देंगे और बाकी जो बचा 2x2 का डिटरमिनेंट उसको लिख लेंगे। भाई इस रो को और इस कॉलम को हटा देंगे, हमारे पास क्या बचा, cos थीटा माइनस r sin थीटा। sin थीटा और यहां पर आ गया r cos थीटा। अब ये मेरे पास 2x2 का डिटरमिनेंट आ गया, मुझे इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करने के बाद कितना आएगा, जरा देखें ध्यान से। देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो cos से cos मल्टीप्लाई होगा, cos स्क्वायर, तो r cos स्क्वायर थीटा। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो माइनस साइन आएगा, और एक माइनस इसलिए आ जाएगा क्योंकि यहां पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस r sin स्क्वायर थीटा। और इसमें से मैं क्या करता हूं, r को ले लेता हूं कॉमन, तो अंदर बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं कि कितना होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, वन। तो हमारे पास लास्ट में जो आंसर आएगा, देखिए क्या होगा, जैकोबियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड विद रेस्पेक्ट टू आर कॉमा थीटा कॉमा जेड इज इक्वल टू, ये वन हो जाएगा, ये वैल्यू आएगी आर। और हमारे पास इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो भी हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये हमारा इसका फाइनली आंसर भी आ गया। ठीक, तो आसान क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं, छोटा, इससे पहले जो मैंने कराए हैं वो भी ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन भले ही आपका थोड़ा सा लेंथ में बड़ा लग रहा है ना, लेकिन ज्यादा बड़ा है नहीं, ज्यादा समय आपको इसको करने में नहीं लगेगा। ठीक, चलते आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, है ना, कैलकुलेट द जैकोबियंस ऑफ यू कॉमा वी कॉमा डब्ल्यू विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें इसका जैकोबियंस निकालना है, यानी कि यू वी डब्ल्यू का जैकोबियंस निकालना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, और हमें यहां पर यू वी डब्ल्यू तीनों दिए हुए हैं। तो पहले मैं फंक्शन को लिख लेता हूं, जो फंक्शन हमें गिवन है। देखिए क्या क्या हमें गिवन है, जरा ध्यान देंगे। सबसे पहले हमें गिवन है u, तो u को मैं लिखूंगा, u कितना है, x प्लस टू वाई प्लस जेड, x प्लस टू वाई प्लस जेड। उसके बाद मैं लिखूंगा v को, v क्या है मेरे पास, x प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड, x प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड। उसके बाद लिखेंगे w को, W मेरे पास है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y प्लस 5z। ये मेरे पास तीनों फंक्शन है, ठीक है ना, तीनों फंक्शन है। ये z है, ध्यान देना z। चलिए हमें क्या करना है, जैकोबियंस फाइंड आउट करना है। तो मैं सीधे जैकोबियंस का फॉर्मूला लिखता हूं और उसी में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्यों? क्योंकि फंक्शन बहुत आसान है, इनका हमें डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। चलिए तो जैकोबियंस को फाइंड आउट करते हैं, देखिए कितना आएगा जैकोबियंस। तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, तो जैकोबियंस ऑफ यू कॉमा वी कॉमा डब्ल्यू विद रेस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट में निकालना है जैकोबियन, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो जैकोबियंस ऑफ यू कॉमा वी कॉमा डब्ल्यू विद रेस्पेक्ट टू एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। फॉर्मूले को लिखते हैं, फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ना। अगर हमें फॉर्मूला लिखना आ गया तो बहुत आसान हो जाएगा जैकोबियंस। चलिए देखिए फॉर्मूला लिखना बहुत आसान है, देखिए कैसे। सबसे पहले आप u को लिखेंगे, u का पार्शियल डेरिवेटिव तीनों के साथ करेंगे पहली रो आ जाएगी, फिर v का पार्शियल डेरिवेटिव तीनों के साथ करेंगे दूसरी रो आ जाएगी, और फिर w का पार्शियल डेरिवेटिव तीनों के साथ करेंगे तो तीसरी रो आ जाएगी। तो चलिए सबसे पहले डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल जेड, पहली रो मेरी आ चुकी है। दूसरी रो अब वी का करेंगे, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल जेड, एक्स वाई जेड, यू रहेगा वी रहेगा, ठीक है, डेल वी अपॉन डेल जेड। थर्ड रो में आ जाएगा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई,
और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड। तो यहां पर मैंने यू वी डब्ल्यू का जैकोबियंस को जो है वो लिख दिया है। अब मैं यहां पर वैल्यू को डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करूंगा और वैल्यू को डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, इसका आंसर भी आ जाएगा। तो देखिए जरा कितना आंसर आएगा, ध्यान देते हैं यहां पर, देखो। तो इसकी वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो इसको यहां पर लिख लेता हूं साइड में, देखो कितना आ जाएगा। देखिए जरा, जैकोबियंस ऑफ यू कॉमा वी कॉमा डब्ल्यू विद रेस्पेक्ट टू एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू देखो कितना आएगा। अब मैं यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं डायरेक्ट, देखें जरा, डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब ध्यान देना जरा, U को x के रेस्पेक्ट में करना, U पहली इक्वेशन में, यानी कि ये तीनों डेरिवेटिव पहली इक्वेशन से आएंगे। तो U को अगर आप x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y और z तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो देखो जरा, देखिए x का 1 हो जाएगा, इसका और इसका 2y, और z का हो जाएगा 0। तो यानी कि हमारा इसका डेल यू अपॉन डेल एक्स आएगा 1 1। उसके बाद डेल यू अपॉन डेल वाई, वाई के रेस्पेक्ट में करूंगा तो एक्स और जेड कॉन्स्टेंट है, 2y का हो जाएगा 2, तो यह आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा 2। उसके बाद इसी को z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x और y कांस्टेंट और z का हो जाएगा 1। सेकंड रो v का अब करूंगा मैं x के, अब देखिए सेकंड रो के लिए हम सेकंड इक्वेशन पे जाएंगे, v का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x का 1 और y z का हो जाएगा 0। देखिए क्यों हो रहा है, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव हम जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करते हैं उसको छोड़ के बाकी सारे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में 0 होता है। तो यहां पर हम अगर v का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x को छोड़ के बाकी दोनों का 0 होगा, तो x का हो जाएगा 1। उसके बाद v का करेंगे y के रेस्पेक्ट में तो 2 आ जाएगा, क्योंकि बाकी दोनों का 0। फिर v का करेंगे z के रेस्पेक्ट में तो 3 आ जाएगा और बाकी दोनों 0। अब हम चलते हैं लास्ट में w का, w का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2 आएगा, बाकी दोनों का 0, तो ये मेरे पास आ गया 2। फिर मैं y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो 3 आएगा और बाकी 0, और अगर मैं z के रेस्पेक्ट में करूंगा तो 5 आएगा और बाकी सब हो जाएगा 0। तो ये मेरे पास डिटरमिनेंट आ गया। अब इसको जरा मैं एक्सपेंड कर देता हूं, देखिए कितना आएगा। इसी के आगे हम एक्सपेंड कर लेते हैं इसको, देखिए ध्यान दीजिए। तो एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट रो, मैं इसको फर्स्ट रो के अलोंग क्या कर रहा हूं, एक्सपेंड कर रहा हूं। देखिए जरा ध्यान से, एक्सपेंड अलोंग, एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट रो। चलिए देखिए कितना आ जाएगा फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करने पे। देखो हाँ, फर्स्ट एलिमेंट को मैं ऐसे ही लिखूंगा और इसको और इसको छोड़ेंगे। देखिए 2 5 10 10 माइनस 9। देखिए आप सब लोगों को डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना आता होगा, ठीक है ना। तो नहीं भी आता है तो और अच्छे से हम सीख जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। देखिए तो फर्स्ट एलिमेंट को मैंने लिखा, देखिए जिस एलिमेंट को हम लिखते हैं उस रो को और उस कॉलम को छोड़ देते हैं, है ना, और इन दोनों का देखिए 2 5 10 माइनस 9। उसके बाद देखिए इसका साइन होता है नेगेटिव, फिर नेगेटिव साइन लगाएंगे -2। अब इस कॉलम को और इस रो को छोड़ेंगे तो देखिए 5 माइनस 6। उसके बाद +1। इस कॉलम और इस रो को छोड़ देंगे तो ये 3 माइनस 4 हो जाएगा, 3 माइनस 4। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कितना आ रहा है। देखिए इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 10 माइनस 9 1 आएगा। यहां से देखिए -2 और अंदर बचेगा -1, तो -2 -1 +2 और लास्ट में -1। 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली जो हमारे पास आंसर आ जाएगा उसको जरा देखिए क्या होगा। ये हमारे पास आएगा डेल यू, देखिए इस क्वेश्चन का अब हमारे पास जो आंसर आ रहा है उसको देखें जरा क्या होगा। डेल जैकोबियंस ऑफ यू कॉमा वी कॉमा डब्ल्यू विद रेस्पेक्ट टू एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू कितना आएगा 2। तो हमारे पास आ गया 2। देखिए तो ये फाइनली हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। चलिए देखिए तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन है। तो देखिए यहां पर मैंने आपको आज हमारा एकदम बेसिक लेक्चर था जैकोबियंस का, मैंने आपको जैकोबियंस कैसे लिखते हैं, 2 वेरिएबल के लिए जैकोबियंस को कैसे लिखा जाता है, 3 वेरिएबल के लिए जैकोबियंस को कैसे लिखा जाता है वो भी आपको सिखा दिया। उसके बाद 2 वेरिएबल पे जो जैकोबियंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है वो 3 क्वेश्चन मैंने आपको कराया, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है AKTU एग्जामिनेशन के लिए।
और उसके बाद तीन वेरिएबल के लिए भी आपको मैंने आज दो क्वेश्चन कराए। अब हमारा इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ जैकोबियंस, प्रॉपर्टीज ऑफ जैकोबियंस, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है प्रॉपर्टीज ऑफ जैकोबियंस के ऊपर। ये देखिए टॉपिक जैकोबियंस जो टॉपिक है वो बहुत आसान है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन एकदम आते हैं, तो इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। रेगुलर एकेटिव एग्जामिनेशन में जैकोबियन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो प्रॉपर्टीज ऑफ जैकोबियंस पे होगा, उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा जैकोबियन का वो इम्प्लिसिट फंक्शंस का होगा। तो जैकोबियंस के हमारे कम से कम तीन लेक्चर आएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तीनों में मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एकेटीयू में पूछे जाते हैं वो सब हम कंप्लीट कर लेंगे। तो अब आगे इनको क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।